हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो कुल मिलाकर पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में ठंड ने डेरा जमा रखा है। कई इलाकों में बारिश हो रही है, वहीं कुछ जगह ओले भी बरसे हैं। आइए आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के किस इलाके में कहां ओले गिरे। आसमान से ओलों की बारिश, सड़क पर बिखरे ओले, ओलों का बन गया पहाड़। ऐसा लग रहा है आसमान से मोतियों की बारिश हो रही है। यूपी के कौशाम्बी में बारिश के बाद अचानक ओलावृष्टि शुरू हो गई। ओले गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि सब चौंक गए। इनका एक इतना तेज ओले पड़ने लगे, कोई बाइक से था, कोई साइकिल से था, सर छुपाने के लिए लोग इधर उधर अपनी बाइक और साइकिल छोड़ छोड़ के भाग के कहीं ना कहीं अपने जाके सर छुपाने के लिए जगह खोजा। कोई पेट्रोल पंप, कोई किसी के घर के पास, कहीं कहीं काफ़ी लोगों को चोट भी आई, लेकिन इतना ज़्यादा एक तरफा ओले पड़ने से लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। सड़कों पर काफ़ी देर तक ओले पड़े रहे, लोगों के सामने ओलों का ढेर इकट्ठा हो गया। कुछ ऐसी ही तस्वीरें यूपी के बरेली में भी देखने को मिली, जहां बारिश और ओलों ने लोगों के सामने मुसीबत खड़ी कर दी। अचानक बदले मौसम ने लोगों को हैरानी में डाल दिया। यहां शाम होने से पहले ही बारिश के साथ अचानक ओले बरसने लगे। सड़कें सुनसान हो गईं, सिर्फ ओले ही ओले नजर आ रहे थे। दिन के वक्त ही रात जैसा अंधेरा छा गया और लोग सिर छिपाने को मजबूर हो गए। ओले गिरने की वजह से फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। मटर, चना, अरहर समेत सब्जियों की फसल पर इसका असर हुआ। वैसे आपने -3 डिग्री तापमान के बारे में अक्सर सुना होगा, लेकिन -3 के तापमान में स्थिति आखिर क्या होती है, यह भी देखिए जरा। चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। हिमालय पर शिवजी शायद ऐसे ही तपस्या करते होंगे, लेकिन भारी बर्फबारी के बीच तपस्या करते शिवजी की ये तस्वीरें हिमालय की नहीं बल्कि उत्तराखंड के टिहरी की हैं। बर्फ से शिवजी पूरी तरह ढक चुके हैं। अब इन पेड़ों को देखिए, कुछ दिनों पहले तक ये हरे भरे हुआ करते थे, लेकिन बर्फबारी ऐसी हुई कि पूरा इलाका सफेद चादर से ढक गया। बर्फबारी का मंजर ऐसा कि ना तो रास्ता दिख रहा है, ना गड्ढा और ना कुछ और। बर्फबारी ऐसी हुई कि सड़कों पर गाड़ियां जस की तस थम गई। लंबी लंबी कतारों में लोग अपनी अपनी गाड़ियों को लेकर खड़े हैं, लेकिन यहाँ गाड़ियां अब चल नहीं रही, रेंग रही हैं। बर्फबारी से पारा -3 डिग्री पर पहुंचा है। ठंड का अंदाजा आप वीडियो बनाने वाले शख्स की कपकपी से लगा सकते हैं। बर्फबारी का आनंद लेने पहुंचे लोगों को अब इसी बर्फबारी के चलते परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। उत्तरकाशी में पिछले 3 दिनों से हुई बर्फबारी के चलते पारा काफी नीचे चला गया है। एक ओर जहां राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया, वहीं बिजली कट जाने से भी लोगों के सामने तमाम तरह की मुश्किलें आ रही हैं। सड़क पर लिपटी बर्फ की इस सफेद चादर को देखकर तो यही लगता है कि कहीं ये साइबेरिया जैसी ठंडी जगह की तस्वीर तो नहीं। लेकिन हम आपको बता दें कि ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी की, जहां पिछले 2 दिनों में 3 फीट तक बर्फ गिर चुकी है, जिसकी वजह से गंगोत्री नेशनल हाईवे को भी बंद कर दिया गया है। भारी बर्फबारी के चलते भारत तिब्बत बॉर्डर पर रहने वालों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बर्फबारी की वजह से गंगा और यमुना घाटी के पास के करीब 30 गांवों में बिजली सप्लाई बंद कर दी गई है। बॉर्डर क्षेत्र में केरोसिन तेल की आपूर्ति ना होने से भी लोग अंधेरे में ही रात गुजारने को मजबूर हैं। और उत्तराखंड के ही बागेश्वर में बर्फबारी के बाद बहुत बुरा हाल है। इसकी वजह से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। बर्फीले पहाड़ों में कैद हो गई है जिंदगियां, ना रास्ते हैं और ना ही सैलानी। उत्तराखंड के बागेश्वर में 2 दिनों की बर्फबारी के बाद सड़कों का हाल कुछ इस तरह का है। करीब 3 फीट मोटी बर्फ की चादर यहां पर जमी हुई है। लगातार यहां से बर्फ हटाने का काम चल रहा है।
लेकिन खराब मौसम के चलते यहाँ पर रास्ता साफ नहीं हो पा रहा है। आलम यह है कि कोई भी वाहन यहाँ से गुजर नहीं सकता और लोग अपने अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। बागेश्वर के रिखाड़ी वाचम, श्यामा नाकुरी और लीति गोगीना मार्ग की भी यही स्थिति बनी हुई है। आइए अब आपको नैनीताल लिए चलते हैं, जहां दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद मंगलवार देर शाम को जोरदार बर्फबारी हुई है। बर्फबारी होते ही नैनीताल पहुंचे पर्यटकों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। बर्फबारी के बीच मस्ती करते सैलानियों को इसी मौसम का इंतजार। मंगलवार को देर शाम जैसे ही बर्फबारी शुरू हुई, नैनीताल के मॉल रोड पर लोग सड़कों पर ही आसमान से गिरती बर्फ का मजा लेने लगे। नैनीताल में जोरदार बर्फबारी से सड़क पर मोटी बर्फ की चादर बिछ गई। ये देखिए, कुछ मिनट की बर्फबारी के बाद बाइक्स की सीटों पर कैसे बर्फ जमा हो गई। आसपास के पेड़ पौधे भी बर्फ से पूरी तरह ढक गए। नैनीताल में इस मौसम की ये तीसरी बर्फबारी। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी यहाँ जोरदार बर्फबारी हो सकती है, जिसे देखते हुए 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं।